अगर इस लॉकडाउन में आप लोगों के पास फेस वॉश, स्क्रब या फिर मॉइस्चराइजर खत्म हो चुके हैं तो इन सभी प्रॉब्लम्स का आज मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को किचन इंग्रेडिएंट के साथ फेस वॉश, स्क्रब और मॉइस्चराइजर किस तरह से बनाए ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, साथ ही इन सभी चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं और इस लॉकडाउन में तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सभी चीजों को हम किस तरह से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फेस वॉश शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा चम्मच आटा लिया है। आटा तो आपके घर में जरूर अवेलेबल होगा, तो गेहूं का आटा यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये हमारे स्किन से फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक पिंच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। हल्दी पाउडर तो आप लोगों को पता ही होता है हमारे स्किन के लिए लाइटन और ब्राइटन करने के लिए कितना अच्छा होता है। हल्दी पुराने जमाने से हम हल्दी को अपने स्किन पर यूज करते आ रहे हैं और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आपकी स्किन पर पिंपल है तो ये इसे भी रिमूव करेगा। इसके बाद आधा चम्मच दही लिया है मैंने। दही में भरपूर मात्रा में होता है लैक्टिक एसिड जो हमारे स्किन को क्लीन करने में और व्हाइटन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे मैं डाल देती हूँ इसमें और मिक्स कर देते हैं और जरूरत पड़ती है थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकी है, तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अब मैं आपको इसे अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे फेस वॉश अपना और इसे अपने हाथों पर रब करेंगे। एक मिनट तक आप इसे रब कर लीजिए, इसी से आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसे अपने पूरे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एक मिनट तक मैंने इसे रब कर लिया है अच्छे से अपने हाथों पर, तो अब मैं इसे वॉश ऑफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने वॉश कर लिया है और आप देख ही सकते हैं हाथ कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और अगर आप इतने झंझट नहीं करना चाहते तो मैं आपको और एक रेमेडी बता देती हूँ फेस वॉश करने के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है दही। दही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऑयली स्किन है इसलिए मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और दही हमारे फेस को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसे अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा आप अमाउंट लीजिए और इसे एक मिनट तक मसाज कर लीजिए अपने फेस पर। तो मैं आपको यहाँ पे अपने हाथों पर दिखा रही हूँ मसाज करके। तो ये देखिए एक मिनट तक मैंने इसे अपने हाथों पर अच्छे से मसाज कर लिया। अब मैं इसे वॉश ऑफ करके दिखा रही हूँ आपको और आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से मेरा हाथ यहाँ पे क्लीन हो चुका है। तो आप यहाँ पे दूध या दही का भी इस्तेमाल करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्क्रब की। तो जिस बोल में मैंने पहले दही लिया था जिससे मैं मसाज करी थी, उसी बोल को मैंने यहाँ पे ले लिया है, वही दही यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच लगभग यहाँ पे दही लिया है मैंने, आधा चम्मच दही लिया है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून यहाँ पे राइस फ्लावर ले रही हूँ यानी कि चावल का आटा ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी को भी ग्राइंड कर सकते हैं, उसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे स्क्रबिंग में बहुत अच्छा होता है, तो इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। अगर आपके स्किन पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो गए हैं तो ये इसे रिमूव करेगा। साथ ही आपको अपने फेस पर इसे बिल्कुल जेंटली इस्तेमाल करना है, ज्यादा रगड़ रगड़ के इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना फेस पर रैशेज आ जाते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है एक दूसरे में और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है स्क्रब। तो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ली है इस फेस स्क्रब की और ये देखिए अपने हाथों पर ले लिया है और बिल्कुल जेंटली इसे स्क्रब करना है, ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करेंगे वरना हमारे फेस पे रैशेज आ सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से आप इसे जेंटली 1 से 2 मिनट तक स्क्रब कर लीजिए और इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 मिनट तक स्क्रब कर लिया, बिल्कुल जेंटली किया है और इसके बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है। फेस वॉश और स्क्रब के बाद मैं आपको अपने दोनों हाथों का डिफरेंस दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंस। तो इस लॉकडाउन में आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपना स्किन केयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। एलोवेरा जेल से अच्छा मॉइस्चराइजर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल खत्म हो गया है तो आपने जो प्लांट्स लगाया आप उसे कब यूज करेंगे? तो अभी यूज करने का बिल्कुल अच्छा टाइम आ चुका है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा लीफ को कट कर लिया है और साइड्स को मैं इसके कट करके इसका जेल अपने हाथों पर लगा लूंगी। ये देखिए मैंने एलोवेरा लीफ को यहाँ पे कट कर लिया है। अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, बिल्कुल केमिकल फ्री मॉइस्चराइजर है ये। तो अगर आप इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपके घर में ही अवेलेबल है और आप इससे बहुत ही इजिली अपने स्किन को पैम्पर कर सकते हैं। तो इसे मैंने एलोवेरा जेल को यहाँ पे देखिए लगा लिया है और थोड़ा सा मैं इसे
मसाज कर लेती हूँ अपने हाथों पर ताकि ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए स्किन में अब्सॉर्ब हो गया। अब मैं आपको इसे दिखा रही हूँ तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा स्किन केयर रूटीन है ये। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा इस लॉकडाउन में। तो इस स्किन केयर रूटीन को तो इस लॉकडाउन में ट्राई करना बिल्कुल बनता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।